प्रभु श्री राम आ रहे हैं, कह रहे हैं सभी प्रभु श्री राम आ रहे हैं। हमारा देश राममय होने के साथ साथ एकता के सूत्र में पिरो उठेगा और एक जो है दुनिया में नए भारत का निर्माण होगा। बोलो जय श्री राम। पहले मैं आता था, ऐसा अयोध्या नहीं थी जैसी सुंदर मुझे दिख रही है। तो जैसे ही दशरथ महल से हम बाहर निकले तो हमें रामतेज शर्मा जी मिले। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा भजन लिखते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, तो पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं फिर उनके भजन भी सुनेंगे हम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो भजन आप लिखते हैं तो किस प्रकार के भजन लिखते हैं? हम भजन लिखते हैं भगवान के ऊपर लिखते हैं। अच्छा। कविता लिखते हैं तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहता है और समाज को एकता का संदेश देते हुए मेरा जो है सब कुछ रहता है। और फिलहाल मैं आप लोगों के लिए प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं तो उसी पे कविता है। सुनाइए, कहे तो सुनाइए, सुनाइए। कह रहे हैं सभी प्रभु श्री राम आ रहे हैं, कह रहे हैं सभी प्रभु श्री राम आ रहे हैं, कह रहे हैं सभी राम लला दर्शन को जा रहे हैं। राम जी के दर्श से दुख सब कट जाएंगे, कह रहे हैं सभी हम अयोध्या धाम जा रहे हैं, कह रहे हैं हम सभी अयोध्या धाम जा रहे हैं। है अयोध्या स्वर्ग से अब सुंदर हो गई है, कह रहे हैं सभी हम अयोध्या धाम जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भजन आप खुद लिखते हैं सब लाइनें? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसा कोई भजन सुनाइए जो आपने लिखा हो और बढ़िया फेमस हुआ अयोध्या में। अब अभी तो मैं 10 दिन से लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं राममय हो गया हूँ। अच्छा। नहीं तो देशभक्ति और जो है सोशल पे ही लिखता था। अच्छा। लेकिन जब कह रहे हैं तो 2 लाइन और बोल दे रहा हूँ। कर लो दर्शन प्यारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, कर लो दर्शन प्यारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हम भी और सभी अयोध्या धाम जा रहे हैं, कर लो दर्शन प्यारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए कितना भक्ति का माहौल है अयोध्या में। अच्छा, बहुत सारे सवाल मेरे मन में आपके लिए आ रहे हैं। जी जी। तो ये बताइए कि आप भजन गाते हैं अयोध्या में हैं। जी सर। तो इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। देश को जगाता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारा देश राममय होने के साथ साथ एकता के सूत्र में पिरो उठेगा और एक जो है दुनिया में नए भारत का निर्माण होगा। बोलो जय श्री राम। तो अयोध्या बदली कितनी है ये भी बता दीजिए। अयोध्या सर बहुत कुछ बदल रही है, धीरे धीरे जो है एकदम बिल्कुल अलग अयोध्या दिख रही है। पहले मैं आता था, ऐसा अयोध्या नहीं थी जैसी सुंदर मुझे दिख रही है। तो कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर बभनान गोंडा जनपद का एक कस्बा है, वहीं पे रहता हूँ और वहीं गांव में भी रहता हूँ, शहर में भी रहता हूँ सर। तो कब से हैं यहाँ पर, कब तक रहेंगे? अब हम चले जाएंगे आज, और फिर जब प्रभु श्री राम जी चाहेंगे तो फिर चले आऊँगा। तो देखिए भक्तों की जो भीड़ है उनके बीच में श्री राम के लिए भजन लिखने वाले, उनके लिए कविता लिखने वाले शर्मा जी हैं। तो बहुत अच्छी कविता इनने सुनाई है और अयोध्या में इसी प्रकार की बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जो प्रभु श्री राम पर लिख रहे हैं, जो कुछ और भी लिखते हैं वो भी प्रभु श्री राम पर लिखना शुरू हो चुके हैं। इसी प्रकार की इनकी भी थोड़ी सी कहानी है, ये कहानी हमने आपको दिखाई, इन्होंने आपको भजन भी सुनाए। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। देखते रहिए india.com।